स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में फेमस इंडियन स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर टी प्रकाश राव जी के फिल्मी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टी प्रकाश राव जी ने ज़्यादातर तमिल और तेलुगु लैंग्वेज की मूवीज़ बनाई हैं। व्यूवर्स, इनकी हिंदी लैंग्वेज की डायरेक्शन बनने वाली टॉप मूवीज़ में रही हैं सूरज, जो कि सुपर हिट मूवी साबित हुई, और इज्जत मूवी इनकी हिट मूवी साबित हुई, और व्यूवर्स दुनिया इनकी मूवी एवरेज रही, और इनके डायरेक्शन की सबसे पहली डेब्यू मूवी आई थी। प्रकाश राव के डायरेक्शन बनी सबसे पहली मूवी आई थी 1958 में, जिसका नाम था अमरदीप। इस मूवी में लीड कास्ट में थे देवानंद, वैजयंती माला, पद्मिनी, जॉनी वाकर, ओम प्रकाश और प्राण। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। टी प्रकाश राव के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1958 में, जिसका नाम था सीतमगर। इस मूवी में लीड कास्ट में थे शिवाजी गणेशन, पद्मिनी, हेलन और रागिनी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। टी प्रकाश राव जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1960 में, जिसका नाम था कॉलेज गर्ल। इस मूवी में लीड कास्ट में थे शम्मी कपूर, वैजयंती माला, लीला मिश्रा, अचला सचदेव और ओम प्रकाश। इस मूवी का बजट था 30 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में 35 लाख की कमाई की और दुनिया में 70 लाख की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1963 में, जिसका नाम था बहुरानी। इसको डायरेक्ट किया था टी प्रकाश राव ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे गुरदत्त, माला सिन्हा, श्यामा, ललिता पवार, फिरोज खान, नाजिर हुसैन और आगा। इस मूवी का बजट था 35 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में 60 लाख की और दुनिया में 1 करोड़ 20 लाख की कमाई। कमाई के अनुसार से इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1965 में, जिसका नाम था बहू बेटी। इस मूवी में लीड कास्ट में थे जॉय मुखर्जी, माला सिन्हा, मुमताज, असला सचदेव महमूद और अशोक कुमार। इस मूवी का बजट था 50 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 55 लाख की और दुनिया में 1 करोड़ 10 लाख की कमाई की और एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1966 में, जिसका नाम था सूरज। इसको डायरेक्ट किया था टी प्रकाश राव जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, मुमताज, नीतू सिंह, ललिता पवार, जॉनी वाकर, अजीत और आगा। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 10 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में 2 करोड़ 50 लाख की और दुनिया में 5 करोड़ की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1968 में, जिसका नाम था दुनिया। इस मूवी में लीड कास्ट में थे देवानंद, वैजयंती माला, अचला सचदेव, लक्ष्मी छाया, ललिता पवार, बलराज साहनी, मदनपुरी। इस मूवी का बजट था 80 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में 90 लाख की कमाई की और दुनिया में 1 करोड़ 80 लाख की कमाई की। कमाई के अनुसार इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1968 में, जिसका नाम था इज्जत। इसको डायरेक्ट किया था टी प्रकाश राव ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे धर्मेंद्र, तनुजा, जयललिता, बलराज साहनी और महमूद। इस मूवी का बजट था 45 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 80 लाख की और दुनिया में कमाई की 1 करोड़ 60 लाख की। कमाई के अनुसार इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। टी प्रकाश राव के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1968 में, जिसका नाम था वासना। इस मूवी में लीड कास्ट में थे राजकुमार, पद्मिनी, लक्ष्मी छाया, हेलन, विश्वजीत चटर्जी और राजेंद्र नाथ। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। टी प्रकाश राव जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1969 में, जिसका नाम था नन्हा फरिश्ता। इस मूवी में लीड कास्ट में थे बलराज साहनी, पद्मिनी, बेबी राधा, जॉनी वाकर, प्राण, अजीत और अनवर हुसैन। इस मूवी को ब्लो एवरेज करार दिया गया। टी प्रकाश राव जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1970 में, जिसका नाम था घर घर की कहानी। इस मूवी में लीड कास्ट में थे राकेश रोशन, भारती, निरूपा राय, शशिकला, बलराज साहनी और ओम प्रकाश। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। टी प्रकाश राव जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1972 में, जिसका नाम था रिवाज। इस मूवी में लीड कास्ट में थे संजीव कुमार, माला सिन्हा, फरीदा जलाल और शत्रुघ्न सिन्हा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। टी प्रकाश राव जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1978 में, जिसका नाम था हमारा संसार। इस मूवी में लीड कास्ट में थे मिथुन चक्रवर्ती, सारिका, पद्मिनी कोल्हापुरे, परीक्षित साहनी, ओम प्रकाश और आगा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। टी प्रकाश राव जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1988 में, जिसका नाम था कब तक चुप रहूंगी। इस मूवी में लीड कास्ट में थे आदित्य पंचोली, आमला, अरुणा ईरानी, सईद जाफरी, मुकरी, किरण कुमार, कादर खान। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करा दिया गया। ये इनकी आखिरी मूवी साबित हुई। तो व्यूवर्स, ये फेमस स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर
टी प्रकाश राव जी के डायरेक्शन में बनने वाली मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनके डायरेक्शन बनने वाली मूवीज़ में से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस या प्रोड्यूसर डायरेक्टर या फिर किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूअर्स, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉच।